विधानसभा की आखिरी चरम पे है चुनाव प्रचार, बस 2 ही दिन रह गया है और इसमें आप विकास के मुद्दे पर कुछ हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप अपना क्षेत्र में जनता के लिए क्या विकास करेंगे। धन्यवाद। उधौली की जिस तरह से लूट घसोट ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त करना है, उधौली की जो बदहाल स्थिति है उसमें सुधार करना है, क्योंकि आप जाकर के देखिए हम चल रहे हैं कमर टेढ़ी हो जा रही है, सड़कों का जिस तरह से बुरी स्थिति है ये बड़ा ही दयनीय है। मेरा मुख्य मुद्दा जो मैं जनता के बीच जा रहा हूँ कह रहा हूँ, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, ये बेसिक मेरा मुद्दा रहेगा। यहाँ की जनता यदि आपको सुनती है तो आप उनको क्या सौगात दें? मैं आपको पहले ही बता दिया कि मेरा जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, इस पे मैं विशेष करके ध्यान दूंगा, चाहे वो मदरसा हो या स्कूल हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना है, ये मेरा मेन फोकस रहेगा। उधौली अभी तक जितने लोग आए उन लोगों का भी तो यही मुद्दा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, वो अपना विकास किए, उधौली विकास नहीं किए। लोगों का कहना है कि अभी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं, इस पर क्या कहें? गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, गड्ढा युक्त हो गई हैं, मुक्त नहीं। जो अभी वर्तमान में मतलब अभी रिपेयरिंग हुआ है उसके बाद भी आप गड्ढा युक्त हो गया है, आपको यहीं उपड़ा से लेकर के और पिरेला तक आप चले जाइए, कल हम खुद गए हैं और एक टायर हमारा चला गया, जा चुका, रात में इतनी बड़ी गिट्टी एक घुस गई, टायर चला गया, बस्ती में टायर भी नहीं उपलब्ध है, बड़े मुश्किल से हम स्टेपनी डाल करके घर पहुंचे हैं रात को। तो कहीं ऐसा नहीं है जहां सड़क का दृष्टिकोण ठीक हो, आप लोग उसको जनता तक आपका, चूँकि आप एक मीडिया से हैं आप उसको पहुँचाएँ, पत्रकारिता में स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, ये चूँकि आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि आप भी उस चीज़ को उछालें कि आखिर हो क्या रहा है, ये आप जाकर के थोड़ा सा उसका निरीक्षण कीजिए कि क्या स्थितियां हैं, धरातल पे क्या है। अभी हमने गया था गोंडा आपके संत कबीर नगर, जहाँ भी गए हैं सड़क के मामले में तो एकदम पूरा उसी नगर को मैंने दौड़ा किया, रोड के मामले में सब रोड ही धराशायी है। अब देखिए हम तो यहाँ चल रहे हैं, मैं यहाँ का बता सकता हूँ कुशीनगर, हमको लगता है इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, ना कि खाली उत्तर मतलब गोंडा या बस्ती या और गोरखपुर, हर जगह की स्थिति एक जैसी ही है। चलिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।